अभी दूसरी लहर से हम उभरे नहीं हैं कि हमारे सामने डेल्टा प्लस का खतरा सामने आके खड़ा हो गया है। इसका खौफ हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको लेकर के जो अभी तक केस देखे गए हैं वो महाराष्ट्र साइड में, केरल साइड में और एमपी में देखे गए हैं। और इन केसेस की बढ़ती संख्या ने सरकार को सोचने में मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, पूरी खबर पे मैं बात करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार बेहद चौकन्नी हो रही है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और भीड़ जमा न होने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी बीच सरकार ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के खतरे की घंटी बजा दी है। सरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल करके वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल चुकी है। यानी कि अब तक सरकार कोरोना के रूप में नजर बनाए हुए थी, इसके म्यूटेशन पे नजर बनाए हुए थी, लेकिन अब ये खतरा बनता हुआ दिख रहा है। कोरोना के इस नए खतरे के बीच अच्छी उम्मीद ये है कि बच्चों के लिए सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन आने की बात कही जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत ने कैसी तबाही मचाई, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम उसके खौफ से उभर नहीं पाए हैं, यह हम सबने देखा है। इस लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। डेल्टा प्लस इसी वेरिएंट का एक नया रूप है, और एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो डेल्टा प्लस वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसको देखते हुए इस वेरिएंट को लेकर के चेतावनी का जो एक लेवल है उसे बढ़ा दिया गया है। इस चेतावनी के पीछे अलग अलग प्रदेशों से लिए गए सैंपलों के नतीजे बताए जा रहे हैं। ये सैंपल महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव, केरल के पलक्कड़ और पाथमथिट्टा और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी से लिए गए हैं। इनकी जांच के नतीजों के आधार पर केंद्र सरकार ने फौरन सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। इन इलाकों में भीड़ ना लगने देने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना मिलने जुलने पर पाबंदी लगाने और ज़्यादा डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द वैक्सीन दिए जाने की हिदायत दी है। इन इलाकों में से ज़्यादा सैंपल लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सरकार के कंसोर्टियम को भेजने को कहा गया है। जहाँ तक डेल्टा वायरस पर वैक्सीन के असर की बात है, तो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण कह चुके हैं कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो दोनों ही वैक्सीन, यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, डेल्टा वेरिएंट पे प्रभावी है। हम जल्द ही और बताएंगे कि वैक्सीन ऐसे केसेस में किस मात्रा में एंटीबॉडी बनाती है। यानी कि ये अभी देखना बाकी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे ये जो डेल्टा प्लस है कितना नुकसान पहुंचा सकता है, या कितना ये वैक्सीनेशन इस वेरिएंट से बचा सकता है। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद खतरनाक बताया है, और वो ये कहते हैं कि ये इतना संक्रामक है कि अगर आप इस वेरिएंट के संक्रमित किसी कोरोना मरीज की बगल से बिना बगैर मास्क के गुजरते हैं तो आप उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। केंद्र की कोविड टास्क फोर्स के विशेष सदस्य डॉक्टर गुलेरिया का ये कहना है कि भारत में अभी इस वेरिएंट का जो प्रसार है बेहद सीमित है, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके काफ़ी हद तक इस वेरिएंट से, क्या किसी भी वेरिएंट से बचा जा सकता है। डेल्टा प्लस समेत दूसरे वेरिएंट के मद्देनज़र अगले 6 से 7 हफ्ते बेहद चौकस रहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और कोविशील्ड असरदार हैं। वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए एक राहत की खबर यह है कि अब सितंबर तक 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उस महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। बायो एनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है, और इस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है। उन्होंने स्कूल खोलने पे भी अपनी एक राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि स्कूल अगर खुलते हैं तो कोई ऐसा ना हो कि स्कूल कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन जाए। हालांकि
हालांकि डॉक्टर गुलेरिया का ये भी कहना है कि जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया है वहाँ कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अलग अलग दिन स्कूल खोले जा सकते हैं। खुले मैदान में स्कूल खोल करके संक्रमण से बचा जा सकता है। हालांकि मानसून का मौसम होने से अभी स्कूल खुले नहीं हैं, स्कूल में पढ़ाई में बाधा आ सकती है जैसा कि इसका प्रोटोकॉल है। और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर के अमेरिका ने भी बेहद चिंता जताई है। अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंटनी फाउची ने इस कोरोना ख़त्म करने की अमेरिकी कोशिशों को सबसे बड़ी अड़चन बताया है। उन्होंने ये कहा है कि इसके फैलने की दर यकीनन बहुत ज़्यादा है, साथ ही इससे बीमारी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो डेल्टा प्लस है ये खतरनाक ज़रूर है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, मास्किंग करते हैं, एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो कोई भी वेरिएंट जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लस वैक्सीनेशन भी इस पर असरदार है। तो ये थी कोरोना से जुड़ी खबर डेल्टा प्लस को लेकर के, जिस तरीके से अब सरकार ने खतरे की घंटी बजा दी है। इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और एक और बात, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।